दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वाघंट टेक पर। तो दोस्तों यहां पर Oppo F11 का सक्सेसर जो है Oppo F15 इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। जी हां, 16 जनवरी को ये इंडिया के अंदर लॉन्च होगा और यहां पर इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी सामने आ चुकी हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके प्राइस पॉइंट और क्या आपको इस फ़ोन का वेट करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने स्वैगन टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर हम बात करते हैं Oppo F15 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बिल्ड एंड डिज़ाइन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। सामने की तरफ आपको ड्यूड्रॉप नोच दी गई है, पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी पैनल देखने को मिलने वाला है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूं तो यहां पर आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। जी हां, ड्यूड्रॉप नोच के साथ साथ ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर मैं कैमरा सेक्शन की बात करता हूं तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का होगा, जो कि मेन सेंसर होगा। 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक आपको मैक्रो लेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करूँ, बताया जा रहा है इसकी 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि AI कैमरा होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस फोन की बैटरी लाइफ की तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है। और चार्जिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी कोई कंजूसी नहीं बरती गई है, आपको VOOC 3.0 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 20 वॉट का आपको VOOC चार्जर भी इन द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट में फोन देखने को मिलेगा, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज में। जो रैम होने वाली है वो LPDDR4X होने वाली है और जो स्टोरेज होने वाली है UFS 2.1 होने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो इस फोन का सबसे डाउन साइड है वो है यहाँ पर इसका प्रोसेसर। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P70 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो फोन का प्राइस पॉइंट रहने वाला है वो लगभग 22,000 रुपये के बीच में बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया दिया गया है, सुपर एमोलेड पैनल है, क्वाड कैमरा सेटअप है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 8GB रैम, VOOC चार्जिंग का भी सपोर्ट है, लेकिन जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस आपको इस फोन में मिलने वाली है वो अप टू द मार्क मेरे हिसाब से नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेटर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। Realme X2 है यहाँ पर, Redmi Note 8 Pro है, और भी काफ़ी डिवाइस जो है वो आपको 20,000 के अंडर इससे बेटर परफॉर्मेंस के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपका क्या विचार है Oppo F15 के बारे में? एक्साइटेड हो, वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि जैसे ओप्पो की के सीरीज़ है, जो कि बड़े ही वैल्यू फॉर मनी जो है सीरीज़, में कहूँगा कि जो स्पेसिफिकेशंस आते हैं वो बड़े ही वैल्यू फॉर मनी होते हैं, तो उसी की तरह इनको एफ सीरीज़ में भी स्पेसिफिकेशन हायर करने चाहिए प्राइस के साथ साथ? आपका इसके बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।